और आपको बता दें कि आज पाकिस्तान में आम चुनाव है और मतदान इस समय जारी है। करीब 8 घंटे होने वाले हैं और वोटिंग अभी भी जारी है। कई मतदान स्थलों पर स्टैम्प टूटने की वजह से कुछ समय के लिए वोटिंग रुकी है। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब समेत पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं ने मतदान कर दिया है। तो वहीं इमरान खान ने जेल में पोस्टल बैलेट से वोटिंग की है। इसके साथ ही सुरक्षा कारणों को देखते हुए पाकिस्तान में मोबाइल सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। डेरा इस्माइल इलाके में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के एक जवान की मौत हो गई है। ये देखिए 2018 और 2024 का हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। और फौजी सरकार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानते ही हैं कि वहां तो सरकार किसी की भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, लेकिन चलती तो फौज की ही है। तो इसीलिए हमने इसको फौजी सरकार नाम भी दिया है। और सेना की गाड़ी पर इस मतदान के दौरान हमला हुआ है। इस हमले में एक जवान की मौत हुई है। 266 सीटों के लिए आज मतदान चल रहा है और कहा जा रहा है कि सेना की मोहर जो है वो नवाज शरीफ के नाम पर लग चुकी है। तो नतीजे कुछ भी आए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो चलिए अब आपको सुनवा देते हैं शहबाज शरीफ क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसी हुकूमत मार्ज वजूद में आए जो कि पाकिस्तान के मोहब्बत और भामी यगानगत, एहतराम और मशावरत और एक दूसरे के लिए खैर सगाली की जज्बात के फूल निछावर करें, बेरोजगारी और इस मुल्क में गुर्बत का खात्मा हो गया। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बड़े मुनासिब हैं। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं लाहौर से हमारे संवाददाता अनस मलिक की एक रिपोर्ट। पाकिस्तान में आज एक बड़ा रोज, इलेक्शन का दिन आज आ पहुंचा है। पाकिस्तान में तकरीबन 17,000 से 18,000 के करीब कैंडिडेट्स जो है वो 266 नेशनल असेंबली की सीटों के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 12,80,00,000 वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 12,80,00,000 वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं और तकरीबन 8 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक ये वोटिंग का अमल जारी रहेगा। हम इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं जहाँ पे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस हलके से जो है वो लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून का यही कहना है कि वो हुकूमत बनाएगी और वो आवाम के वोटों से हुक्मरानी लेकर जो है हुकूमत में आएगी। देखना यह है तो आवाम कितनी तादाद में निकलते हैं और किसके लिए वोट देते हैं ताकि अगले 5 साल के लिए वो पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर सकें। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, लाहौर, पाकिस्तान से। जी न्यूज़।